अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल यूट्यूब। और गाइस, आज के ड्राइंग में आप लोगों को सिखाने वाला हूँ M+S लोगो डिज़ाइन प्रोसेस। तो गाइस, इस लोगो को जो है वो मैं पॉलीगॉन की मदद से क्रिएट करूँगा और कुछ लाइंस की मदद से इसको क्रिएट करने वाला हूँ। और आप लोगों को फुल एक्सप्लेन करके बताऊँगा कि आप इस M+S लोगो डिज़ाइन को कैसे क्रिएट करेंगे, और वो भी बहुत ईजी मैथड के साथ। तो गाइस, मेरे पास कुछ ग्रेडिंग कलर है, अगर आप ये फिल करना चाहते हो ये कर सकते हैं, अगर आप इसको सिंपल रखना चाहते हैं तो सिंपल भी रख सकते हैं, जैसे आप लोगों को अच्छा लगे आप उस तरह इसको क्रिएट कर सकते हैं। सो गाइस, आप करें वीडियो को एंजॉय और मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। तो गाइस, चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं पहले कुछ लाइन्स जो है वो ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, दैट्स गुड। इसका साइज 1 पॉइंट और ब्लैक कलर इसमें फिल किया, और इसको डुप्लीकेट करेंगे हम लोग। ओके गाइस, लेट्स गो। इसको आप ग्रुप कर लेंगे सारी लाइंस को आपने सेलेक्ट करके। करने के बाद गाइस, अब हम पॉलीगॉन को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सिंपल यहाँ इसको ड्रॉ कर दूंगा, और ट्रांसफार्म में जाके इसको 90 के एंगल पे रोटेट कर दूंगा। ओके डेट्स गुड, आप इन दोनों को सेलेक्ट करूंगा और इनको अलाइनमेंट कर दूंगा, और यहाँ पर पॉलीगॉन को थोड़ा सा हम छोटा कर लेंगे। ओके डेट्स गुड। अब इस लाइन के एक और डुप्लीकेट लिया, पहले गो टू एडिट कॉपी, गो टू एडिट पेस्ट इन प्लेस, और इसको ट्रांसफार्म में जाके रोटेट कर दूंगा। ओके डेट्स गुड, आप इसको दोबारा जो इसकी डुप्लीकेट लेयर बनाऊंगा सेलेक्ट करके लाइंस को, वर्टिकल 90 प्रीव्यू ऑन करके आपने कॉपी पे क्लिक करना है जस्ट आपने, तो आपके पास ये वाला स्केच हो जाएगा। इसका जो साइज हम जो है वो, ओके डेट्स गुड, अगर आप इसका, आपको लगे कि इसका लाइन का साइज़ बड़ा है तो आप इसको छोटा भी कर सकते हैं। सो गाइस, आपने क्या करना है, यहाँ पे 0.5 कर लेना है। ओके डेट्स गुड, तो आप देख सकते हैं हमारा 0.5 जो है वो क्रिएट हो गया। सो गाइस, अब मैं आप लोग को सारा प्रोसेस बताऊँगा कि आपने इसको स्टार्ट कहाँ से करना और इसको फिनिश कहाँ पर करना है। सो गाइस, चले स्टार्ट करते हैं। तो एम को पहले क्रिएट कर लेते हैं, इसमें शेप टूल को सेलेक्ट करूँगा, ब्लैक कलर इसमें फिल कर लेता हूँ। ओके डेट्स गुड, इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाऊंगा मैं गाइस। ओके, और यहाँ पे इसको फिनिश कर दूंगा, और इसको थोड़ा सा इस साइड पे ले जाऊंगा, ज्यादा स्टाइलिश बनाऊंगा। और ये गाइस हमारा मोनो लोगो डिजाइन जो है वो क्रिएट हो गया। सो गाइस, ओके डेट्स गुड। इसको जो है वो यहां पे हम लेके आएंगे, और इसको नीचे लेके आऊंगा, और इसको यहां पे, अब बिल्कुल परफेक्ट है लोगो हमारा। खाली स्पेस को भी आपने कहीं से फिल कर लेना है। ओके डेट्स गुड, यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप इसको स्टाइलिश बनाना चाहते हैं तो यहाँ भी आप फिल कर सकते हैं, जैसे आप लोग को अच्छा लगे। सो गाइस, मेरा लोगो जो है यहाँ पे बिल्कुल M+S जो है वो क्रिएट हो गया। सो गाइस,
गाइज अब हम इसको अनग्रुप करेंगे अपने लोगों को, और अनग्रुप करके एक साइड पे ले जाऊंगा, एक्स्ट्रा लाइंस को रिमूव कर दूंगा, और इसको जो है वो हम थोड़ा सा फिल कर लेंगे इसकी स्पेस को। ओके डैशबोर्ड यहाँ पर परफेक्ट है। गो टू ऑब्जेक्ट, एक्सपेंड कर दूंगा इसको और इसको पाथफाइंडर कर दूंगा। ओके डैशबोर्ड। अब गाइस अब हमारे पास ग्रेडियंट कलर भी है, और आप अगर इसको सिंपल रखना चाहते हो तो सिंपल भी रख सकते हैं। सो गाइस आपका जो फेवरेट कलर है आप उसको ग्रेड कर लीजिएगा। इसमें मैं ये वाला कलर फिल कर लेता हूँ। ओके, और इसमें अगर आपने सिंपल करना है तो आप क्या कीजिएगा, इसको डार्क ब्लैक कीजिएगा और इसको जो है वो इसको मैं ऐसे करता हूँ, ये वाली जो चीज़ है ना इसको इसमें आप रेड कर लीजिएगा। ओके डैट्स गुड गाइस। आप इसमें से कोई भी कलर जो है वो कर सकते हैं। दोनों बहुत ही ज़बरदस्त और खूबसूरत लग रहे हैं, और आई होप कि इस तरह का लोगो क्रिएट करने में आप लोगों को कोई टेंशन नहीं होगी, और आई होप कि आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब का बटन जरूर प्रेस कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिएगा जस्ट। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।